बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मसूद रिज़वी हाज़िर है। हमारा प्रोग्राम आपको इल्म है मारूफ पाकिस्तानी, जिसमें हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं और ख़ुशी की बात यह कि आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है। और आज की भी एक शख्सियत जिनको हमने मदऊ किया है, उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो टाइम निकाल के वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। उनका नाम मेहताब अकबर राशदी, जिनके मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई होगा जो ना वाकिफ हो उनसे। आज हम उनके ज़िंदगी के बारे में सवाल करेंगे और मैं समझता हूँ कि एक मुफीद प्रोग्राम होगा। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं मोहतरमा मेहताब राशदी साहिबा से ये कहूँगा कि आपका जो मैंने प्रोफाइल देखा है, जो करियर का, वो देख करके मुझे एक शेर याद आया, आप होपफुली एंजॉय करेंगी। वो ये है कि आपका प्रोफाइल है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। और ये जसारत मैंने की है कि दूसरे मिसरे में शायर की से माजरत के साथ, ये मंजिलें हैं कमाल की, जो तुम समझ सके हम न समझ सके। ये एक कूजे में बंद किया कि आपका बचपन से, स्कूल से जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये सारी बातें हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी जी, ये एक जो आपका करियर है और उस करियर में आपके बहुत सारे शोभा है ज़िंदगी हैं जिनमें कि आपने हिस्सा लिया है, और हर एक में जैसा मैंने कहा कि ये मंजिलें हैं कमाल की, कि आपने यू हैव डन जस्टिस टू ईच एस्पेक्ट ऑफ दैट यू हैव एंटर्ड। तो मैं आपसे ये शुरू करवाता हूँ कि आप बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, बचपन कैसे आपका गुजरा, स्कूल और घर के हालात, उसके बाद फिर हम आगे इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे। आपने जो बात की ना कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, तो जिस वक्त वो दास्तानें शुरू होती हैं तो हमें ख़ुद को अंदाज़ा नहीं होता कि हम कहाँ से चल रहे हैं और कहाँ पहुँचेंगे, कुछ पता नहीं चलता। ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है। और सच्ची बात अगर मुझसे आप पूछें कि ज़िंदगी में क्या मकसद था, जैसे कहते हैं व्हाट्स द एम ऑफ योर लाइफ, तो मैंने तो कभी ज़िंदगी का मकसद सामने ही नहीं रखा। एक शौक़ होता था अलबत्ता, जब बड़ी हुई थोड़ी तो मैं कहती थी मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचर अच्छा। बनना है। मेरे घर वाले कहते थे डॉक्टर बनना है, मैं कहती थी नहीं मुझे टीचर बनना है। ये कोई इंस्पिरेशन था आपको कहीं से कि ये इंस्पिरेशन घर ही से मिलता है। मेरे वालिद साहब टीचर थे, अच्छा, मेरी बड़ी बहनें और टीचर्स को मैं देखती भी थी। लेकिन एक और चीज़ थी जो मेरे अंदर थी, शायद उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था व्हाई आई वांट टू बी ए टीचर। मे बी कम्युनिकेशन, कि मुझे ऐसा लगता था मैं कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर सकती हूँ। अच्छा। और टीचर को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, तो मुझे ये मेरे जहन में ये ख्याल था, तो मैं टीचर बनना चाह रही थी। तो आपने पूछा मैंने कहाँ से शुरू किया, तो पैदाइश मेरी है नौंदेरो, जो लाड़काना के करीब बड़ा मशहूर गांव है। और जब बेनज़ीर, लोग कहते थे बेनज़ीर का शहर, तो मैं कहती थी मेरा शहर है बेनज़ीर, वहाँ नहीं पैदा हुई लेकिन मैं पैदा हुई हूँ और मैं पाकिस्तान के साथ पैदा हुई हूँ। जिस दिन पाकिस्तान बना है मैं पैदा हुई हूँ, तो पाकिस्तान का और मेरा सफ़र जो है वो एक साथ चल रहा है। पाकिस्तान पर बड़ी मुश्किलें आई हैं मेरे पास साथ, इतनी मुश्किलें अल्लाह का शुक्र है कि नहीं आई, एक हौसले के साथ हम बढ़े हैं। मेरा घर जो था, कभी मैं सोचती हूँ लोग मुझसे कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का लिखो तुम बायोग्राफी लिखो, तो मैं जब भी बैठती हूँ सोचने तो मैं कहती हूँ अगर मैं शुरू करूँगी तो मैं कैसे शुरू करूँगी। तो आप यकीन करें मेरे सामने मेरा एक घर का वो आंगन आ जाता है जो बहुत बड़ा था, उस ज़माने में बड़ा लगता था। और उस हमारे आंगन में टारी, सिंधी में चंदन टारिये जो वण हुए, नीम का दरख्त होता था, बेरी का दरख्त होता था, खजूर के दो दो तीन तीन दरख्त होते थे, उनमें हम झूले बना के और अच्छा। उसमें खेलते थे, झूलते थे। मेरी मुझसे पहले तीन बड़ी बहनें और मुझसे छोटे 5 साल के बाद भाई पैदा हुए। मेरे वालिद साहब टीचर थे,
और हमारा जो घर था वो हम और मेरे अब्बा के भतीजे थे, उनके भाई थे तीन बड़े, उनका इंतकाल हो गया था। उनकी दो औलादें थीं, तो एक भतीजी थी और एक उनके भतीजे थे। तो भतीजे की शादी उन्होंने मेरी खाला के साथ की थी, तो अच्छा, वो हम दो फैमिली साथ रहते थे, साथ तो रहे। उनके भी बच्चे और हम बड़े हुए साथ। तो एक मोहब्बत का माहौल होता था बाबा की, मेरे न सिर्फ घर में लेकिन गांव में पूरे में बड़ी इज्जत थी। उस्ताद साईं, उस्ताद उस्ताद साईं, साहब, क्योंकि टीचर की बड़ी अहमियत होती है। पढ़ने लिखने में वो बहुत ही, एक कहना चाहिए, फर्म थे बहुत। और वो थे जिन्होंने ये फैसला किया कि अब चार लड़कियां उनको पैदा हुई, बच्चा लड़का हो ना रहा है और बेटा नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो रहा है। मेरी माँ के ऊपर, बेचारी के ऊपर प्रेशर कि लड़कियां 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 हो रही हैं। तो इतना प्रेशर कि आखिर मेरी नानी ने मेरे बाबा से बोला कि बेटा नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी से तुम्हें बेटे की औलाद तो नहीं होने वाली। अच्छा, हाँ, तो मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, तुम चाहो तो दूसरी शादी शादी कर कर लो। लो। अच्छा, तो मेरे बाबा ने बोला कि मुझे इतनी कोई ख्वाहिश नहीं है बेटे की, अगर होना होगा तो इसी में से होगा, सही है। और नहीं तो मेरे लिए जो लड़कियां हैं वो मेरी समझो बेटे हैं। कीपिंग दिस थिंग ये इन कहा था आपके वालिद साहब ने, वालिद की वालदा ने, ये जो नहीं आपके नहीं मेरी नानी ने, आपकी नानी। अच्छा, वो कह रही थी मेरी बेटी से नहीं होगा तो मेरे लड़का, तो तुम शादी कर लो। तो मेरे बाबा ने ये जवाब दिया। बस उस सो जमाने के हिसाब से वो बड़ी एक तरह से यस, लिबरल या रोशन दिमाग मैं वही खातून कह रही थी। हूँ, उसका जी विजन जो था बाबा का। जी तो अब मैं तो बहनों में सबसे छोटी थी, चौथे नंबर पे, जी तो ही सेंट माई एल्डर सिस्टर, वहाँ तो लड़कियों के स्कूल ही नहीं थे, तो लड़कों के साथ पढ़ाया उन्होंने अपनी बेटी को, दोनों बेटियों को अच्छा, भेजा, आगे पीछे 2 साल का फर्क था। और उन्होंने क्या नहीं सुना होगा, मैं उस पर सोच रही हूँ कि अड़ोस ने पड़ोस ने रिश्तेदारों ने क्या नहीं कहा होगा उनसे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। फिर उन्होंने मेरी बड़ी बहन को हैदराबाद भेजा, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो त्रिकचाड़ी पे होता था, जी। वहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी 7 जमातों के बाद, फाइनल का इम्तिहान होता था, उसके बाद वो टीचर्स ट्रेनिंग होती थी। तो आपा सकीना जो मेरी बड़ी बहन है, वो उन्होंने वो टीचर्स की ट्रेनिंग ली एंड शी गॉट द जॉब। बाबा ने कहा तुम अपने गांव में पढ़ाओ, नौदेरों अच्छा, के स्कूल में पढ़ाओ, तब तक स्कूल बन गया लड़कियों सही। का। तो जब मेरी बहन वहाँ पढ़ाने गई तो लोगों ने कहा ओ अच्छा, हाणे उस्ताद साईं छोकरिन जी ज, 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 कमाई खाई दो, यानी लड़कियों की कमाई खाएगा हाँ जी, अभी। हाँ यानी इस तरह के तंज, ही नेवर बॉदर्ड, मेरे बाबा ने परवाह नहीं की। बाबा ने सोचा कि अगर ये अंग्रेजी पढ़नी है तो यहाँ तो कॉलेजेस ही नहीं है, तो ये मैट्रिक के बाद कहाँ जाएगी। कहाँ जाएगी। तो देन ही डिसाइडेड टू गेट हिमसेल्फ ट्रांसफर्ड, गांव अच्छा, छोड़ा। हमारी वजह से उन्होंने गांव छोड़ा, तालीम बच्चियों की मतलब तालीम की वजह से। की वजह से। अब बड़ी बहन को कहा गांव में रहो तुम और बच्चियों को यहाँ तुम पढ़ाओ। हम अच्छा, जो थे वो हैदराबाद आ गए मेरी अम्मा के साथ। मेरी अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन 5 वक्त की नमाजी, बहुत ही परहेजगार औरत, और वहाँ काम नहीं करती थी, वहाँ तो इतने लोग उसके आगे पीछे फिरते थे। सही है। हमेशा बहुत साफ सुथरे कपड़े, सफेद कपड़े ज्यादातर पहने रहती, तो सारा गांव उनको कहता था अम्मा अच्छी, अच्छी मीन्स अच्छा, वाइट, वाइट। अम्मा अच्छी, अम्मा अच्छी। तो अम्मा हमारे साथ आ गई हैदराबाद। अब वो औरत जो पहली दफा गांव छोड़ के और इतनी सुख की जिंदगी छोड़ के वहाँ आई, तो आई थिंक माई फादर एंड माई मदर बोथ सेक्रीफाइस्ड फॉर अस। तो ये जो फिर हमने यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज से मैंने 7 जमातें पास की, फिर आई वेंट टू मीरा स्कूल और वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, और मैट्रिक करने के बाद वेंट टू जुबैदा कॉलेज, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। ऑलराइट, जी, जुबैदा कॉलेज, जुबैदा महाराष्ट्र कॉलेज में से, बड़ा मशहूर कॉलेज। बहुत मशहूर। और मैं एक समझती हूँ कि तारीख में ये लिखा जाएगा, जी तारीख में अगर एजुकेशन की कोई तारीख लिखेगा तो ख्वातीन के हिसाब से जो जितना कंट्रीब्यूशन जुबैदा कॉलेज या गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का कहते हैं उसको, वो उसने मेरे ख्याल में कोई हज़ारों के तादाद में
स्टूडेंट्स बनाई, नौजवान लड़कियां, और सिर्फ तालीम नहीं दी, उनकी तरबियत भी की। और वहाँ पर हमारी जो प्रिंसिपल थी आप शम्स अब्बासी, उन्होंने आगे चल के डॉक्टरेट भी किया, तो डॉक्टर शम्स अब्बासी कहलाई। आपको यकीन कीजिए मसूद साहब के उन जैसी एडमिनिस्ट्रेटर मैंने नहीं देखी जिंदगी में। टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, टीचिंग नहीं करती थी, वो एडमिन, शी वाज प्रिंसिपल, ठीक है, एंड शी वाज नॉट गुड कम्युनिकेटर, मजे की बात। अच्छा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, शी यूज टू मेक श्योर कि हर टीचर क्लास में जाए और पढ़ाए, हर बच्ची क्लास में होनी चाहिए, इधर उधर फिरनी नहीं चाहिए। और वो आप कमाल की बात है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स नेम शी न्यू बाय हार्ट। मैं उधर खड़ी हूँ तो वो मेरा नाम लेके कि यहाँ क्यों, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, नजमा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तो नजमा डर के पीछे भाग जाती। और अगर हम देखते कि वो एक कोने से आप शम्स की आवाज आ रही है तो भाग के चले जाते थे कि वो हमें देख ना लेंगे। मतलब She was so particular about this thing कि कोई लड़की अपना वक्त ज़ाया ना करे, इधर उधर घूमती फिरती नज़र ना आए, क्लास रूम में होनी चाहिए। और इतनी काबिल टीचर पंजाब से, उस ज़माने में तो इट वॉज वहाँ सेंट्रल होता था एजुकेशन सिस्टम, तो पंजाब से टीचर्स आती थीं, सिंध से आती थी, कोई हमें जूलॉजी पढ़ा, कराची से बहुत सारी टीचर्स आईं साइंस की। तो उस वक्त ये इतना अच्छा माहौल था, मैं बता नहीं सकती आपको। और हमारी एक्चुअल जो तरबियत हुई है दो इदारों को, बल्कि तीनों को, तो मैं दूंगी, ये ट्रेनिंग कॉलेज वाला स्कूल, वहाँ पर हमें बहुत अच्छी टीचर्स मिलती थी, इतनी हमदर्द टीचर्स के। मैंने वहाँ ये देखा, आजकल जैसे आप कहते हैं ना कि ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, तो ट्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, हमारी जो टीचर्स थी वो ये ट्यूशन व्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन उनमें एक की ये डेडिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, टीचर्स डेडिकेशन, कि वो हमें जो कोई बच्ची देखती ना कि कमज़ोर है ज़रा, तो उसको कहती तुम बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाना, तुम भी बैठ जाना, फिर उनकी जो वीकनेस होती थी वो उनको बैठ के फिर दोबारा समझाती, नो ट्यूशन, लेकिन वो खुद बैठ जाती थी उन बच्चियों को समझाना। तो वो हमारी तरबियत इस तरह के असातिज़ा के सामने हुई है, उनका जो एक ऑरा होता है टीचर्स का। उसी तरह से जब मैं मीरा स्कूल में गई तो वहाँ पर आपा उरूस फातिमा होती थी हमारी उस वक्त की हेडमिस्ट्रेस प्रिंसिपल, क्या अच्छा बोलती थी। तो वो खड़े होकर जब हमें असम्बली में बात करती तो आँखें खुल जाती थी कि कैसे उर्दू कैसे बोली जाती है। इसी तरह आपा हुसैन बानो हमें ड्राइंग सिखाती थी, मुमताज़ अब्बासी, मशहूर अब्बासी ख़ानदान, उनकी इतनी हसीन वो टीचर होती थी, वो उनसे हमें वास्ता पड़ा। बिल्किस अब्बासी जो मिर्ज़ा साहब थे जस्टिस, उनकी बेगम होती थी, और ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा की सेकंड मदर, तो ये वाली टीचर्स थी। नाम क्या था उनका? बिल्किस। तो मैं कह रही हूँ कि इस तरह इस कैलेबर की ख़वातीन पढ़ाती थी कॉलेज। एक्चुअली मुझे जो एक आप समझ लीजिए एक इंस्पिरेशन और मेरी तरबियत जो हुई है वो एक्चुअली गर्ल्स कॉलेज से हुई। आप शम्स अब्बासी को मैंने आपका बताया, हमारी टीचर्स चाहे उर्दू पढ़ाने वाली हो, मैंने इंटर साइंस किया था क्योंकि वालदेन की और सबकी ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूंगी। अच्छा। लेकिन मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, सिर्फ 33 नंबर मिलते थे, रो रो के पास होती थी, और सिलाई कढ़ाई से मुझे कोई शौक नहीं होता था, उसमें भी आपस सिलाई वाली बस पास कर देती थी। और लेकिन वहाँ पर जो टीचर्स उसके बाद जो मुझे मिली हैं, बात क्या पहले से ही आपा मरियम नुहानी, प्रोफेसर मरियम सुल्ताना नुहानी हैदराबाद के, आप किसी से पूछ लें उनका नाम, कोई ऐसे खातून नहीं होंगी जो आपा मरियम को ना जानती हूँ। आपकी बेगम साहिबा जो थी वो मुझसे एक साल सीनियर थी, निशात, वो उन्होंने ज़रूर जिक्र किया होगा कभी ना कभी, यकीनन किया होगा। वो मैं करना चाह रहा था लेकिन क्योंकि ये आपका इंटरव्यू इसलिए मैं खामोश नहीं, आप कह सकते हैं, तो बड़ा अच्छा किया आप कह सकते ये हैं। मरियम नुहानी और आप शम्स का जिक्र बहुत दफा बहुत सुना है, बहुत अच्छे अल्फाज में मैं सुना, बहुत अल्फाज। तो वो हमारी मेंटोर थी। तो जैसे ही मैं गई फर्स्ट ईयर में तो मैं टीम में सिलेक्ट हो गई, डिबेटर हो गई, तो मैं 4 साल तक
गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की बेस्ट डिबेटर रही हूँ। बैतबाजी मुझे इतने अशआर याद होते थे, फिर वो मुकाबला होता था उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता। लिखने का भी बड़ा शौक था तो ऐसे राइटिंग में भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता। एट द एंड ऑफ द डे मैं आई वाज द इलेक्टेड एज द बेस्ट गर्ल ऑफ द कॉलेज। वहाँ उनकी प्रोफाइल में जी यूनियन की मैं जनरल सेक्रेटरी भी रही हूँ। तो आप ये देखिए कि मुझे इतना वहाँ पर एक्सपोजर मिला। दिस इज एक्सपोजर दैट आई लर्न सो मच। और वहीं से फिर ट्रेवल करना देखा सीखा। स्कूल में थी तो गाइड में थी, गर्ल्स गाइड में। अच्छा वो भी किया? वो भी थी, हाँ वो भी थी। वो हमें लेके गए थे तुर्बत, कैंप लगा था। एक हमारे साथ खातून ट्रेनर और हम कोई 20-30 लड़कियाँ। और आप ये सोचिए कि तुर्बत के जंगलों में ये 6 के अदद ये लगे होते थे टेंट, 5-5 लड़कियाँ रहती थी, एक टीचर एंड नो गाइड। एक सवाल जरूर करूँगा कि आप हैदराबाद से तुर्बत गई कैसे? बाय ट्रेन। फिर वहां से वो शायद बसे चली, ऊपर हम पहुंचे और हमने वहां हफ्ता बाय ट्रेन। तो आप क्वेटा तक गई होंगी? हाँ जी, कहाँ क्वेटा तक गए और उसके बाद फिर ऊपर गए। हम ज्यारत गए, हमने कायदे आजम का वो जगह थी वो भी देखी, और एक पता नहीं कौन से पीर साहब थे उनका भी लंबी एक मजार थी वो भी देखी। अच्छा। तो ये सारा जो एक्सपोजर था ट्रेवलिंग अलोन और ये करना, कैंप लग रहा है, हम लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं, एक दिन हम खाना पका रहे हैं, एक दिन हम सफाई कर रहे हैं, मतलब ये तमाम चीज़ें मेरी उसका हिस्सा था। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई हूँ तो ये वाला डिबेटर, ड्रामों में एक्ट करना, टेबलोज हो रहे हैं और डिबेट की वजह से मैं बाहर जा रही हूँ। वहाँ हम जाते हैं, हमें कभी नहीं हुआ कि हम ट्रॉफी न लेकर आए। और उसमें मेरी साथ चलने वाली जो बड़ा नाम है वो मैं आपको बताऊं, वो फहमिदा रियाज जी, जो इतनी बड़ी हमारी एक्टिविस्ट और राइटर और शायर, वो और मैं हम साथ जाते थे। वो मुझसे एक साल सीनियर थी लेकिन हमारी वो थी डिबेटर में, वो फॉर बोलती तो मैं अगेंस्ट, तो इस तरह से हम हमारी टीम होती थी। वी यूज़ टू ट्रेवल टुगेदर, वही हम गाड़ियों में बैठते थर्ड क्लास के डब्बे में, कभी हम लाहौर जा रहे हैं ट्रॉफी लेके आ रहे हैं, हम वहाँ कैंट गए ट्रॉफी लेकर आए, हम क्वेटा गए हम ट्रॉफी लेकर आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने फर्स्ट ईयर में थी तो हम ईस्ट पाकिस्तान गए, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ से भी रेसिटेशन ऑफ द पोइट्री, उसमें भी ऐसे ही मैं चली गई तो शिकवा जवाब शिकवा इकबाल का पढ़ा, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। और ज़ीनत सिद्दीकी हमारे साथ गई थी, वो जो बहुत खूबसूरत गाती थी, वो हमारी मेरी क्लासमेट थी। अच्छा। छोथे डेणी एड़ियो धीर रमा, वो उसने गाया बहुत मशहूर एक गीत, वो वहाँ गई, उसने वहाँ आवाज़ का जादू जगाया और हम ईस्ट पाकिस्तान में भी अपना नाम करके आए थे। तो कोमिला गए घूमने, इधर गए उधर गए। तो ये दिस वाज माय फर्स्ट ट्रिप टू जहाज में बैठ के, हवाई जहाज में, ईस्ट पाकिस्तान जी। तो हम जहाज में बैठ के गए। तो अब ये क्या था, ये घर की तरबियत, माँ बाप का कॉन्फिडेंस और जो उन्होंने एतमाद किया। तो ये दिस वाज माय टाइम एट कॉलेज, जिसमें मैंने ये हमें असातिज़ा मिली जिनका मेरे पर्सनालिटी पे बहुत असर है। आपा मरियम जो थी शी वॉज अ वेरी गुड ऑरेटर और बहुत अच्छा लिखती थी, डिबेट्स को मॉनिटर करती थी। तो एक जो चीज़ उन्होंने मुझे समझाई थी जब लिखने में, और मुझसे कहती पहले तुम डिबेट लिखो, अपना आर्ग्यूमेंट लिखो, फिर वो करेक्ट करती थी, यानी इतना डेडिकेशन इनका। तो मुझे उन्होंने एक चीज़ समझाई कि जब तुम लिखो तो एक जुमले में एक लफ्ज़ दो दफ़ा नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा। तो वो चीज़ मुझे आज भी याद है, आई नेवर रिपीट अ वर्ड इन वन सेंटेंस, सेम वर्ड मेरे दिमाग में आता है, नहीं नहीं मुझे दूसरा लफ्ज़ सोचना चाहिए, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट की तलाश में वोकैबुलरी बढ़ती चली गई कि आप नए नए सीखेंगे, लफ्ज़ सीखेंगे। तो मैं अपने बच्चों को भी यही चीज़ समझाती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी समझाई कि डोंट यूज़ दिस। तो वो लिखना और कैसे लिखना, एनालिसिस, चीज़ों को परखना, दलील कैसे देते हैं, क्या करते हैं,
आई एम थैंकफुल टू माई टीचर्स जिन्होंने हमें जितना इस तरह से पढ़ाया, जितना वक्त देते थे, इतना बहुत डेडिकेटेड से ज़्यादा, काम करते थे। बहुत ज़्यादा। देन मैंने देखा कि आपने मास्टर्स किया, बीए किया, मास्टर्स किया, और बल्कि डबल मास्टर्स किया, पॉलिटिकल साइंस में आपने किया था पहले, और उसके बाद दूसरे आप मास्टर्स के लिए बाहर गई थी, वहाँ से आप वो भी पॉलिटिकल साइंस में किया आपने, तो फिर आपका जो करियर पाथ कहाँ से शुरू हुआ? व्हाइल आई वाज देयर आई आल्सो डिड माय बैचलर्स इन एजुकेशन। जी हाँ, बीएड। बीएड किया मैंने। जी हाँ। क्योंकि मुझे ये था ना कि मैं टीचर ही रहना है, मुझे टीचर ही रहना है, तो बीएड किया है, केम फर्स्ट क्लास फर्स्ट। अच्छा। हाँ, आई टॉप्ड, और ग्रेजुएशन भी मैंने फर्स्ट क्लास से। आपने हैदराबाद से किया? यस, सिंध यूनिवर्सिटी से। इंस्टीट्यूट होता था बहुत बड़ा, डॉक्टर नबी बख्श बलोच वॉज, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था उसको, लेकिन उस वक्त आरआई साहब थे जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर थे, डॉक्टर, आपने डॉक्टर रशीद शाह का सुना होगा, उस जमाने में वो, उन्होंने मुझे पढ़ाया, आरआई ने, डॉक्टर आरआई ने पढ़ाया, मतलब कमाल के वो टीचर्स थे जिन्होंने पढ़ाया हमें। एंड केम टू नो डॉक्टर नबी बख्श बलोच, वो तो उस वक्त इतने बड़े स्कॉलर थे कि उनको देखना और सुनना बड़ी बात होती थी। हम बच्चे थे तो अल्लामा आया काजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते थे, मेरी बहन पढ़ती थी, तो वो हर फ्राइडे को सेनेट हॉल में लेक्चर देते थे, तो मैं जाती थी वहाँ जाके बाहर खड़ी रह के, आई यूज़ टू लिसन टू अल्लामा आया काजी। समझ में नहीं आता था मुझे, अंग्रेज़ी बोलते थे। अच्छा। और मैं अभी स्कूल में पढ़ती थी, बट अल्लामा आया काजी का नाम क्या कह रहे हैं, मैं जाके बाहर खड़ी होकर सुनती थी, मेरी बहन तो थी अंदर, तो फिर वो निकलती तो कहती तुम क्या कर रही हो, तो मैंने कहा मैं आपको लेने आई हूँ आपको, और हमारा घर नज़दीक था। तो यू नो आई सॉ ऑल दीज पर्सनैलिटीज़ इन माई लाइफ जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हैव लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन मी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता किसका मेरे ऊपर क्या असर है, लेकिन वो इम्पैक्ट मेरे ऊपर आया। तो मैंने बीएड भी किया, तो उन्हीं दिनों में एमए, इतने अच्छा एमए मैंने एज अ रेगुलर स्टूडेंट नहीं किया, मैंने एज अ प्राइवेट स्टूडेंट किया, बट आई यूज़ टू गो एंड अटेंड द क्लासेस, क्योंकि मेरी बहन वहाँ पढ़ाती थी, तो वो कहती थी कि तुम आओ तो मैं बात करती हूँ, तो तुम आके बैठ सकती हो क्लासेस में। तो आई डिड माई मास्टर्स, तो उसके फौरन बाद ही कोई पोस्ट एडवर्टाइज हुई यूनिवर्सिटी के लिए, लेक्चरर के लिए, तो माई सिस्टर सेड के तुम अप्लाई करो इसके लिए। तो मैं कहा ना बाबा, यूनिवर्सिटी इज़ अ बिग थिंग, मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊँगी यूनिवर्सिटी में, मुझे, मैं नहीं, मैंने ऐसे कहा। तो उसने मुझे एक दो नाम बताए, खैरुन्निसा जाफरी, लैला बाना, वो मेरी क्लासमेट्स थी, वो मुझसे एक साल पहले उन्होंने अप्लाई किया था, वो दे बिकम द लेक्चरर्स ओवर देयर। तो मेरी बहन ने मुझसे कहा अच्छा तो तुम खैरुन्निसा जाफरी और लैला बाना से भी वीक हो, तो मैंने कहा नहीं, खैरुन्निसा मैं सेकंड पोजीशन आई थी, वो थर्ड पोजीशन आई थी, और वो ये दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, लेकिन मैं समझती हूँ मैं भी इस कैलिबर की तो हूँ। तो उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे शौक था मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, छोटे बच्चों को पढ़ाऊँ। मैं आई हैड अ कॉन्सेप्ट कि यू नो फॉर मी द स्मॉल चिल्ड्रन वर जस्ट लाइक वेरी क्लीन स्लेट, बिल्कुल खाली है स्लेट, इम्प्रेशनेबल है। हाँ हाँ, इम्प्रेशनेबल, आप उस पर कौन सा इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं वो बच्चा वहाँ से लेके जाता है। वेयर एज एट द कॉलेज लेवल वो तो बड़े सीखे सिखाए पढ़े पढ़ाए स्टूडेंट्स आते हैं, दे हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड, दे हैव देयर ओन डिफरेंट थिंकिंग, दे हैव गॉन डिफरेंट आइडियोलॉजी। आई वॉन्टेड टू टीच द स्मॉल चिल्ड्रेन, लेकिन फिर वो घर का प्रेशर होता है ना, नहीं 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 अप्लाई करो, अच्छा है तो नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा नहीं मिलेगी ना नौकरी, अप्लाई तो करो। तो मैंने बस सिर्फ उसने कहा ठीक है मैंने तुम्हारी पर्टिकुलर फिल कर ली है, तुम सिर्फ दस्तखत करो। तो मैंने बहुत मुंह बुरा बना के वो मैंने दस्तखत कर दी, रिलक्टेंटली इंटरव्यू हुआ, और साई गुलाम मुस्तफ़ा शाह वाज़ द वाइस चांसलर, दबंग किस्म का, उनकी आवाज़ ही ऐसी होती थी कि आप घबरा जाओ, और पूरा द होल ऑफिस वॉज फुल ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, कोई जज था कोई कौन था पता नहीं क्या था। तो आई वेंट फॉर इंटरव्यू, तो पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज आईआर डिपार्टमेंट,
नया खुल रहा था जी हाँ, और इब्राहिम शाह बुखारी को उन्होंने लिया था, डॉक्टर इब्राहिम शाह बुखारी एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो सब बैठे थे इंटरव्यू में, तो साईं गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने मुझसे सवाल पूछे, हॉब्स एंड लॉक एंड दिस, ही हिमसेल्फ वाज मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, वो मुझसे पूछ रहे हैं। तो ताज़ा ताज़ा पढ़ा था तो जवाब दे दिए। फिर पता ये चला कि पॉलिटिकल साइंस में हसन भुट्टो साहब ने किसी से वादा किया था, वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया, उनको ले लिया। अच्छा। रशीद अंसारी थे मेरे बहुत अच्छे, मुझे बहन बनाया था, कि पास्ड अवे फ्यू ईयर्स बैक, और बुखारी साहब ने कहा कि आई वॉन्ट हर इन माई डिपार्टमेंट। अच्छा। तो इब्राहिम शाह बुखारी ने, तो दिस इज हाउ आई वेंट इन टू आई आर डिपार्टमेंट एज अ लेक्चरर। मेरे मेहताब आपसे ये पूछना मुझे कि जो आपका जो वो पीरियड जिसमें कि आपको एक पहचान मिली इस मुल्क में, वो था पीटीवी, वो और मीडिया का जो वो रेडियो, उससे पहले रेडियो जी। रेडियो का ये था कि चेहरा नहीं था, आवाज़ थी, आवाज़, और पीटीवी चेहरा सामने आ गया सामने जी। तो वो उसके कोई चीदा कुछ चीज़ें ऐसी जो आप शेयर कर सकें नाज़रीन? बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो उसके बगैर तो मैं बात ही नहीं कर सकती जी जी। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो मैं आज हूँ या पीटीवी पे भी गई, तो उसमें मेरी जो बुनियाद थी एक्चुअली वो रेडियो था रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद। और रेडियो की जो ट्रेनिंग थी वो, इस वक्त तो पता ही नहीं अल्लम बल्लम सब पता नहीं क्या बोला जाता है, टीवी पे भी पता नहीं क्या बोला जाता है, लेकिन हमारा जो दौर था वो बहुत ही, आप ये समझ लीजिए टेक्निकली और प्रोफेशनली बहुत ही आला किस्म का दौर था। तो हैदराबाद रेडियो में एक्चुअली मेरी बहन जाती थी, शी वॉज़ अ रेडियो वॉइस, और ज़माने में आपने नाम सुना होगा अब्दुल्ला चन्ना डिप्टी कलेक्टर होते थे, उनकी बेगम थी जीनत अब्दुल्ला चन्ना, वो बहुत लड़कियों को इनक्रेज करती थी कि वो आगे बढ़ें। तो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में आवाज़ों की ज़रूरत थी कि भाई ख़वातीन आएँ, लड़कियाँ आएँ, अच्छे ख़ानदानों की आएँ, परफॉर्म करें। तो उन्होंने मेरी अम्मा बाबा से कहा कि अपनी लड़कियों को भेजो, खुद उन्होंने अपनी बेटी नुसरत चन्ना को जो मेडिकल की स्टूडेंट होकर फिर चली गई थी उसको भेजा पहले कि भाई लोग ये ना कहें कि तुम अपनी लड़कियों, मतलब लोग कहते हो रेडियो पे लड़की कैसे आएगी, मतलब ये जो इनहिबिशंस होती हैं, तो वो उस जमाने में भी थी। तो लेकिन उन्होंने बाबा से अम्मा से बात की, तो मेरी बड़ी बहन, उनको शौक था, वो रेडियो पर चली गई। तो जैसे रेडियो प्लेज की चार चार दिन रिहर्सल होती थी, एमबी अंसारी साहब उस वक्त प्रोग्राम मैनेजर होते थे, बड़े दबंग किस्म के आदमी, बड़े रोब वाले, और वो जेड ए बुखारी के स्टूडेंट थे। अच्छा। जेड ए बुखारी क्या नाम रेडियो का, वो तो बुनियाद उन्होंने डाली रेडियो की, और व्हाट अ परफॉर्मर ही वाज। अब उनके सीखे हुए ये अपने एमबी अंसारी साहब, वो बैठ के वो लेते थे, उनकी करते थे, रिहर्सल करवाते थे, और सारे लोग यूं चुप करके बैठते थे सीरियस, और वो फिर एक एक कैरेक्टर, और जहाँ कोई सही नहीं बोलता था तो खुद करके दिखाते थे। मैं बहन के साथ जाती थी, आई वॉज अ साइलेंट ऑब्जर्वर, मैं छोटी थी, क्लास सिक्स में पढ़ती थी। अच्छा। मैं जाके चुप करके बैठ जाती थी, एक लफ्ज़ नहीं बोलती। तो लेकिन मैंने वहाँ कौन कौन से आर्टिस्ट देखे, मैंने वहाँ एम बी अंसारी देखा, मैंने मुस्तफ़ा कुरैशी देखा, मैंने नसीम मुग़ल को देखा, मैंने रुबीना कुरैशी को देखा, मैंने सीमा, निघत, नुजहत, ये बड़ी बड़ी, नसीम, ये इन सबको, और मर्द मोहम्मद अली को भी आपने देखा? मोहम्मद अली हमसे पहले चले जाए, चले गए थे जी, इसलिए उन भी। अच्छा। सुना था कि वो भी रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जी जी बिल्कुल वहीं से गए, और वहीं से उनको लिया, उनकी आवाज़ और उनकी शख्सियत को देख के वो हमसे थोड़ा। तो फिर अब्दुल माजिद साहब होते थे, बहुत मशहूर थे उस ज़माने में, और एम बुखारी साहब होते थे, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। और उसी दिन अब्दुल करीम बलोच और सैयद सालिम मोहम्मद शाह, जो बहुत मशहूर आवाज़ रेडियो पाकिस्तान की, फतेह खान जी कचहरी उसके नाम से मशहूर है, उनका भी ऑडिशन हुआ, मैं पास हो गई। जब मैं पास हो गई तो एक ड्रामा हुआ था जिसका नाम था वर्जीनिया, कोई ट्रांसलेशन था फ्रॉम इंग्लिश प्ले टू उर्दू एंड देन सिंधी। तो वर्जीनिया वॉज गर्ल ऑफ माई एज,
उसका मुझे रोल मिला। तो जब स्टूडियो में हम गए तो सामने मेरे मुस्तफ़ा कुरैशी है, तो MB अंसारी है, तो मुश्ताक मुग़ल है, मैं वर्जीनिया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या वो रोल था, लेकिन मैं छोटी और वो सारे लंबे लंबे, तो उन्होंने नीचे एक पटरा रखा तो देखा मैं लेवल जो है माइक की, वो ऐसा माइक होता था दोनों तरफ से आवाज़ आती थी, तो उस तरह से मैंने वो शुरू किया। मेरे ख्याल में 2-3 कोई ऐसे प्लेज या फीचर होंगे जिसमें मैंने अपनी उम्र के मुताबिक रोल किए और मुझे 5 रुपये मिलते थे। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मेरी फीस जो थी वो 5 रुपये नकद। मैं इतनी खुश, अम्मा को आकर कहा अम्मा 5 रुपये, अम्मा ने कहा हाँ हाँ बहुत पैसे लाओ मुझे दो, मैं संभाल के रखती हूँ, तो वो कभी नहीं मिलते हैं आपको वो वापस अम्मा का। तो 5 रुपये जैसे जो ईदी पे बच्चों को मिलते हैं वो भी माँ ले लेती है, वो फिर तो वो गुम कर दोगी तुम गुम कर। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं अब हम आपको, आप पूरी हीरोइन का रोल करो। नाउ माई एज इज 11-12 ईयर्स और मुझे वो कह रहे हैं तुम हीरोइन बनो, यू नो रोमांटिक रोल करो, रोमांटिक रोल। बट आई थिंक माई एक्सप्रेशन विच आई टोल्ड यू कि मैं बहुत खामोश मुशाहिदा करती थी, तो वो चीज़ें आई हैड अब्सॉर्ब्ड इन मी, वो मेरे अंदर अब्सॉर्ब हो गई एंड देन आई बिकेम द हीरोइन। और आप कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं कि मैं हूँ कौन, मेरी तो सिर्फ आवाज़ जा रही थी, वो लोग उसको आइडियलाइज करते थे ये कौन है ये कौन है। तो वो मैंने उस उम्र में हीरोइन के रोल किए, लेकिन पैसे मुझे वही 5 रुपये मिलते थे। ये बच्ची है अभी। और ये जो इंटरप्शन करूँ, वो जो बड़े आर्टिस्ट थे उनको कितना मिलता होगा जमाना? वो 15 रुपये। 15 रुपये? 15 रुपये। अच्छा। और ये अच्छा मजे की बात ये होती थी कि मेरे, अच्छा इस तरह होता है ना कभी एक दो आर्टिस्ट यहाँ से बोल रहे हैं, दो आर्टिस्ट वहाँ से बोल रहे हैं आमने सामने, तो मेरे सर पे हाथ रख के बोलते थे इस तरह से, यू नो आई वॉज ट्रीटेड लाइक अ बेबी या स्मॉल गर्ल या बच्ची, इतना मुझे वो प्यार करते थे। तो वो होते होते नेचुरली आई बिकेम अ नोन वॉइस फॉर माई प्लेस, मेहताब चन्ना मेहताब चन्ना मेहताब चन्ना, वो नाम गूंजता रहा। तो एक ख़त आया एक खातून का, टूटी फूटी उसकी हैंड राइटिंग, और उसने कहा कि मेहताब आपको ख़त लिखने के लिए मैंने लिखना पढ़ना सीखा। सीखा, बड़ी बात। All types of programs I did from Radio Pakistan, Hyderabad. So actually this was my foundation, this was my beginning, and this was the way that I got an edge over others who did the comparing on TV. On television. अब वहाँ से सिलसिला बताएं कि क्या? अच्छा टीवी पे आई मैं, वो उसमें अब्दुल करीम बलोच साहब, जब टेलीविजन शुरू हुआ तो वहाँ उन्होंने कहा जी प्रोड्यूसर्स चाहिए, सिंधी भी चाहिए, तो अब्दुल करीम बलोच वेंट देयर एज प्रोड्यूसर। तो अब्दुल करीम बलोच ने मुझे ऑफर की 2-3, पहले तो मुझे कहा कि आके तुम खबरें पढ़ो सिंधी वाली। मैंने कहा मैं पागल हूँ, मैं हैदराबाद से चलूँगी कराची पहुंचूं, 5 मिनट की खबरें पढ़ूं, फिर मैं वापस जाऊं। मैंने कहा नहीं भाई ये तो उनसे नहीं हो सकता। उसने कहा अच्छा अच्छा तो फिर ड्रामे करो तुम बहुत अच्छी हीरोइन बन सकती हो। तो उसको तो मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा टीवी का प्ले तो मैं करूंगी नहीं, ये एक्टिंग जो टीवी की है वो मैं, मेरे मिजाज में नहीं है ये चीज़, आई कांट एक्चुअली ये नहीं कर सकती। मेरे, आपने जवाब दे दी, ये मेरे सवालों में से एक था, टीवी का आपका अच्छा खासा स्पैन है। हाँ। और आपने किया, लेकिन किसी ड्रामे में आप कभी नजर नहीं आए? नहीं, ड्रामों में उन्होंने मुझे कहा, तो दैट वाज योर डिसीजन कि जी ये इट वाज माय डिसीजन। तो उसने कहा अच्छा फिर कंपेयरिंग कर लो। मैंने कहा हाँ ये मैं सोच सकती हूँ, उस पर मैं सोच सकती हूँ, ये मैं करूँगी। तो मेरा जो उसका भी ऑडिशन, शीरीन खान ने ऑडिशन दिया था और पहली दफा उसमें मैं पास हो गई। और मैंने पहला जो प्रोग्राम टीवी पे किया वो उर्दू में किया था। अच्छा। नॉट इन सिंधी, बच्चों का प्रोग्राम था, क्विज प्रोग्राम, उसका नाम था इस हफ्ते। अच्छा। तो पूरे पूरे हफ्ते की खबरें होती थी, उसमें से वो क्विज बनाते थे, सवालात होते थे, 2-3 स्कूल आते थे तो बच्चों के साथ फिर हम उनसे सवाल पूछते थे। तो वो इस हफ्ते प्रोग्राम जो था, ये जरूर पूछूंगा, ये जब टीवी की आप कह रही हैं सारी बात, ये किस साल से आप
शुरू हो ये दिस वाज आई थिंक 74। अच्छा। और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। अच्छा। और मैं जाती थी कराची प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के लिए। उसके बाद अब वापस मैं बस में बैठती थी, हमारे पास कोई गाड़ी शाड़ी नहीं थी, तो मैं यूनिवर्सिटी में क्लास लेके मैं बस में बैठती थी। मेरे भाई की उस ज़माने में वहाँ ही वॉज वर्किंग एज इंजीनियर स्टील मिल, उनका घर कश्मीर रोड पे होता था, मैं वहाँ जाके ठहरती और फिर जब रिकॉर्डिंग हो जाती तो फिर मैं वापस बस में बैठ के गाड़ी खाते के स्टॉप पे उतरती थी, ये पब्लिक बसेस। तो 74 वाज योर एंट्री इनटू, दैट वाज द बिगनिंग। तो वो मैंने प्रोग्राम किया, वो चल ही रहा था कि फिर कहा कि भाई हम सिंधी में बच्चों का प्रोग्राम पहले से चल रहा था, तो आपा शीरीन फारूकी उनकी होती थी कंपेयर, आई थिंक शी वाज मूविंग टू स्टेट्स, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें चाहिए कंपेयर चाहिए कंपेयर चाहिए। तो मैं, मुझे कहा गया सुल्ताना सिद्दीकी उसी ज़माने में, वो और हारून रिंद साहब वो एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर पहुंचे थे वहाँ कराची। अच्छा। और उनको ये प्रोग्राम दिया गया कि तुम बच्चों का प्रोग्राम करो। दे वर ऑलरेडी विद पीटीवी। जी जी। ट्रेनिंग दे वर सिलेक्टेड बाय पाकिस्तान टेलीविजन, वो उन्होंने ट्रेनिंग भी कर ली थी, उनकी ट्रेनिंग होती थी बहुत, ट्रेनिंग करके आए थे, तो उनको ये प्रोग्राम दिया गया कि एक हफ्ता हारून रिंद करेंगे एक हफ्ता सुल्ताना करेंगी। जी। तो मैं फिर उनकी बन गई कंपेयर बच्चों के प्रोग्राम की, रोशन तारा। और सुल्ताना ने जितनी मेहनत की उस प्रोग्राम पे मैं आपको बता नहीं सकती, वो पता नहीं किधर किधर से बच्चों को लेकर आती थी। तो हमें ही मालूम है कि रोशन तारा बड़ा मशहूर प्रोग्राम, बहुत मशहूर प्रोग्राम था बच्चों का, लेकिन था बच्चों का, लेकिन उसमें बच्चों के की जो ग्रूमिंग हुई। ये जरा बताएंगे आप मुझे कि उस प्रोग्राम में जो बच्चियाँ आती थी उनमें से कोई है जो आगे काबिल जिक्र कोई ऐसा वैसा? सुल्ताना के तीनों बच्चे, अच्छा, जुनैद, दुरैद, दुरैद तो मेरी गोदी में बैठता था और जुनैद, ये तीनों आगे पीछे आप देखिए माशाल्लाह। जुनैद इज लुकिंग आफ्टर सो मेनी कंपनीज, वो स्टेट, दुरैद इज हम टीवी का वो सीईओ है। इनके अलावा कोई बच्चे जो ये तनवीर अब्बासी के बेटे वो आते थे उसमें, उनकी बच्चियां, वो कोई डॉक्टर बन गया है कोई, सब आके मुझे बताते हैं हम रोशन तारा में आते थे। अच्छा। मतलब अच्छा, अब क्योंकि सुल्ताना क्या करती थी कि अपने जानने वालों के बच्चों को भी ले आती थी, तो इस तरह से ये तमाम चीजें हुई। तो दिस वॉज द प्रोग्राम विच वेंट लाइक यू नो बहुत, इस हफ्ते हमारा देख के फिर वो ये वाला प्रोग्राम फिर दूसरे सेंटर पे दिखाया जाता था, इस तरह से ये प्रोग्राम और मेरा चेहरा फिर पहचानने लगे लोग। सिंधी प्रोग्राम तो होते नहीं थे, वो तो नेशनल हुकअप पे जाते ही नहीं थे, वो रीजनल प्रोग्राम कहलाते थे। तो असल में जो मेरी शोहरत हुई वो हुई थी प्रोग्राम फरोजा, फरोजा, फरोजा प्रोग्राम से। और फरोजा प्रोग्राम जब हुआ है तो मैं वहाँ से बाहर से, मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी मिला था, तो दो साल के लिए मैं चली गई यहाँ से टीवी से बाहर पढ़ने, मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिला, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में गई, वहाँ मैंने क्योंकि पॉलिटिकल साइंस था तो मैंने फिर वहाँ थीसिस लिखी। उस ज़माने में 65 की जंग हो चुकी थी। अच्छा। तो मेरे गाइड ने मुझे कहा कि तुम शिमला एग्रीमेंट पे लिखो कि किस तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान ये चीज़ें, तो मैंने जो थीसिस लिखी वो शिमला एग्रीमेंट पे थी और वो फिर प्रिंट पब्लिश हुई सिंध यूनिवर्सिटी से, जो पाकिस्तान स्टडी सेंटर था उन्होंने मेरी उस थीसिस को द बुक फॉर्म में वो लेकर आए। दिस वाज माय फर्स्ट पब्लिकेशन। उसके बाद तो मैंने बहुत किताबें अभी फारिग हो के रिटायर होने के बाद लिखी। तो जो टीवी में जो एक बड़ा सा एक गैप आता है, तो उसी ज़माने में ये भुट्टो साहब चले गए, ही वॉज हैंग्ड, और आ गए ज़ियाउल हक साहब, तो उन्होंने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए और अपना मजबूत करने के लिए इस्लाम का नाम लिया। तो इस्लाम में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो औरत आती है, कि औरत कैसी, औरत अंदर हो कि अंदर न हो, बाहर हो तो कैसे हो। तो उन्होंने डायरेक्टिव्स भेजे कि जो एंकर्स होंगी एंड जो न्यूज़कास्टर्स हैं वो अपना सर ढकेंगी। तो सुल्ताना ने एक प्रोग्राम मैंने किया, उसने कहा कि भाई सुनो ये तो डायरेक्टिव्स आ गए हैं कि तुम लोगों को, औरतों को सर ढकना होगा। तो मैंने सुल्ताना से कहा अच्छा ओके सुल्ताना, खुदा हाफिज़, मैं तो सर नहीं ढकूंगी। तो क्यों?
मैंने कहा पागल है, ये कौन आदमी होता है जो हमें कहे कि सर ढको, मैं तो इसके कहने से तो मैं सर नहीं ढकूंगी। उसने कहा अच्छा मोहसन भाई के पास चलते हैं। तो मोहसन भाई के पास गए, तो मोहसन भाई होते थे हमारे प्रोग्राम मैनेजर, वो बहुत अच्छे, उन्होंने ड्रामे प्रोड्यूस मोहसन अली जो जी मोहसन अली नाम था जी 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 तो मोहसन अली भाई ने कहा कि बात सुनो, फिलहाल तो कंटिन्यू करो चलाओ, क्योंकि ये तो लोकल प्रोग्राम है, वहाँ तो कोई नहीं देखता, किसको क्या पता कि सर ढके हुए कि सर नहीं ढके हुए, चलाओ चलाओ चलाओ। हमने चलाया चलाया प्रोग्राम। तो खैर उसके बाद आरफीन साहब ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि ये नौजवानों का प्रोग्राम है फरोजा के नाम से, और स्टेज प्रोग्राम में आप वो करें। तो मैंने उसको कहा कि भाई वो पहले ही कह रहे हैं कि सर ढको सर ढको, तो तुम कहोगे सर ढको तो मैं तो सर नहीं ढकूंगी, माय फर्स्ट कंडीशन, इसलिए आप सोच लीजिए कि, और जिस दिन आपने मुझे मजबूर किया आई विल जस्ट वॉक आउट। अब वो परेशान, तो उसने कहा अच्छा यूँ करें आप साड़ी पहने। अच्छा। मैंने कहा क्यों? तो कहते वो साड़ी पल्लू पे रहती है, आप अंदर दाखिल हों तो सिर्फ यूँ करें, फिर वो सड़क जाएगी, फिर आप बैठ जाना। तो मैंने कहा मैं जो ब्लाउज पहनूंगी तो मेरा तो इतना पेट नजर आएगा। तो उसने कहा वो देख लेंगे देख लेंगे। खैर एनीवे आई स्टार्टेड वेयरिंग साड़ीज। अब किसी को याद हो फरोजा, मैंने उसमें सिर्फ साड़ियाँ पहनी है, लेकिन मैंने सर नहीं ढका कि ये भी पल्लू यूं गिरे और यूं गिरे, नहीं नहीं मैंने सारे प्रोग्राम किए। उसमें बड़े काम के लोगों को मैंने इंटरव्यू। अच्छा फरोजा का मतलब ये था कि अभी आपका करियर शुरू नहीं हुआ, अभी आपने ख्वाब देखे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी आपने डिग्री ली है, अब कहीं काम कर रहे हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम यू नो। तो वहाँ पर मैंने उस ज़माने में वहाब सिद्दीकी, जिसके बेटे हैं इस वक्त जो मुर्तज़ा वहाब, इस वक्त जो है मेयर हैं कराची के, उनके बेटे, और मैंने इंटरव्यू किया उमर शरीफ। वो भी मेरे प्रोग्राम में आए। टीना सानी मेरे प्रोग्राम में से इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट लोग उस प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस हुए। तो ये इसके बाद फिर वहाँ पता चला इतना मशहूर हो गया ये प्रोग्राम, तो कहा गया कि जिसको लाहौर भेजो एक क्वार्टर वो वहाँ से चलेगा, ताकि वहाँ के भी स्टूडेंट्स को ये मौका मिले। तो एक गज़ाला कुरैशी होती थी, उन्होंने बहुत खूबसूरत खातून थी, उन्होंने वो प्रोग्राम वहाँ से कॉम्पेयर किया। इतनी देर में इन्होंने मुझे फिर रखा, ख़तों के जवाब देने वाला प्रोग्राम था अपनी बात, तो अपनी बात में मैं सिर्फ ख़तों के जवाब पढ़ती थी। तो आई बिकेम वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ज़्यादा लोग हों तो आप ज़रा कम नज़र आते हैं। अब मैं पूरी इस स्क्रीन पे नज़र आ रही हूँ, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, तो दे स्टार्टेड नोटिसिंग मी, ये कौन है, ये हस्ती बहुत है। जनरल मुजीबुर रहमान, जनरल मुजीब वॉज सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन उस ज़माने में, उन्होंने ख़त लिखे, ये कौन है इतना हस्ती है, इम्पोर्टेंट सेक्रेटरी थे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ये कौन है इतना हस्ती है, सर भी ढका हुआ नहीं है, इसको कहो सर ढके। अच्छा वो फिर टीवी वाले बेचारे थोड़ा सा मुझे कभी उन्होंने इग्नोर कर दिया, कभी ख़त का जवाब नहीं दिया, मीन दे वॉन्टेड मी टू कंटिन्यू। फिर मुझे बताते भी थे बुरहानुद्दीन हसन साहब, भाई ओढ़ लो दुपट्टा, ओढ़ लो महताब, इसमें क्या है, अच्छी लगोगी। तो मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगना बुरहान साहब, मैं चाहती हूँ लोग मुझे सुने मैं क्या कह रही हूँ, नॉट दैट आई एम लुकिंग प्रिटी, नो। मैंने कहा वो उसके लिए आपकी वो बेचारी अनाउंसर्स काफ़ी हैं, मुझे छोड़ दे। तो खैर वो डिबेट चलता रहा। फिर दोबारा जब मैं, फिर मुझे कहा कि फरोजा दोबारा आ गया वापस कराची सेंटर। मेरे ख्याल में 2-3 प्रोग्राम्स मैंने किए थे, और मेरे प्रोग्राम एडवांस में रिकॉर्ड होते थे, कि मैं हैदराबाद से जाती थी तो पहले से रिकॉर्ड करके रख लेते थे वो। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया मोहसिन भाई का ही, कि मेहताब वो प्रेसिडेंट हाउस से फ़ोन आया है कि आप, तुम्हें का क्या फ़ोन आया कि जी वो आप सर ढकें तो बहुत मुश्किल है, तो हमें ज़रा सोल्यूशन। मैं कहा भाई बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन भाई, अभी बताती हूँ। कहा क्या? मैं कहा मैं नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, उन्होंने फोन रख दिया। ही वाज सो रिलीव्ड कि मैंने खुद कह दिया मैं नहीं आ रही, मतलब उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे पूछा। तो उसके बाद फिर मैंने, मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं जाती थी क्या टीवी पे, आई डोंट केयर। फिर वहाब सिद्दीकी आए, उन्होंने आके मुझसे पूछा क्या हो गया है, आप क्यों नहीं आ रही हैं। मैंने कहा भाई वो ये यूँ ही मुझे बोला था। तो उन्होंने डेली टाइम्स में इस वक्त वो लिखते थे, उन्होंने पूरी स्टोरी ब्रेक की मेरी तस्वीर के साथ, और उस पर उन्होंने उनवान दिया था ला दुपट्टा। और पूरी उन्होंने नैरेट की स्टोरी जो मैंने उनको बताई। तो लोगों को पता चला
कि इस वजह से मैं नहीं आ रही हूँ टीवी पे. बट दैट वाज अ लॉन्ग 8 ईयर्स आई डिड नॉट अपीयर ऑन टीवी. और आफ्टर ज़ियाउल हक़'स दिस प्लेन क्रैश के बाद जो पहले इलेक्शंस हुए हैं, फिर मुझे पीटीवी ने खुद ही से मुझे कहा कि जी हम चाहते हैं आप तशरीफ लाएं. तो मैं कहा जी कैसे? तो उन्होंने कहा जैसे आपका दिल चाहे. मैंने कहा नो दुपट्टा? तो कहा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. तो वो जो पहली इलेक्शंस हुई हैं उसमें मैं और मुस्तनसिर हसन तारड़ हम एक साथ थे, और खुशबख्त शदाद और तारिक अजीज़ वो उनका दूसरा. जब हम 3 घंटे बैठ के उठ जाते थे तो फिर वो 3 घंटे बैठते थे. और उसके बाद फिर दूसरे इलेक्शंस आए तो मैं इस बीच में फिर प्रोग्राम करती रही जब बुलाया, लेकिन नॉट अ रेगुलर प्रोग्राम फिर मैंने नहीं किया. फिर हम टीवी पे सुल्ताना ने जब अपना चैनल निकाला तो फिर मैंने उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स किए. तो पीटीवी की स्टोरी ये है. प्रोग्राम के आखिर की तरफ हम आते हैं. मैं आपका ये भी आपका करियर का रहा वो पता नहीं आपकी मर्जी कितनी थी उसमें या नहीं, यू रिमेन अ पार्लियामेंटेरियन ऑल्सो. जी और बिल्कुल. आप मेंबर ऑफ दी सूबा असेंबली की मेंबर थी. जी जी जी. और मेरे हिसाब से मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि वो मेरे हिसाब से कि वो आपको सियासत में आ गई, मोर आई थिंक समझता हूँ कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल. जब आप असेंबली में बैठते हैं जाके तो रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पे भी आपने बहुत सारे ऐसी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन किया जो कि खवातीन से रिलेटेड था. yes. या मैरिज के सिलसिले में बचपन की शादियां उसका उसके बारे में कुछ आप बताएं कि एंड एक सवाल जरूर आपसे पूछूंगा कि व्हाई डिड यू चूज टू जॉइन द पीएमएल फंक्शनल. जी जी. उसकी उससे पहले एक और फेज मेरी जिंदगी था कि मैं फिर ब्यूरोक्रेसी में आ गई. जी जी. अच्छा, वहां पर जहां यूनिवर्सिटी में थी तो उसमें भी मुझे एक एक्सपोजर मिला था. आई बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ माई डिपार्टमेंट. Yeah. और उसके बाद फिर मुझे एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी, कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी, मैं उसकी भी 6 साल तक डायरेक्टर रही. और अल्लामा साहब जब गए हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने इंसिस्ट किया था, मुझे नहीं पता क्यों, उन्होंने मुझ में क्या देखा, वो कहा अगर इसको कोई चलाएगा तो यही चलाएगी. अच्छा. तो उसमें मैंने चला के दिखाया एनीवे, और बहुत अच्छा माशाल्लाह 6 साल वो रहा. फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी मुझे वहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट एडवाइज़र करके वहाँ रखा था, डॉक्टर अफजल साहब ने. के बाद फिर मैं कराची आ गई ऑन डेपुटेशन. उसमें फिर बेनज़ीर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. उस वक्त सबसे मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो लियाकत लाइब्रेरी में एज डायरेक्टर. तो जब प्राइम मिनिस्टर बनी बेनज़ीर तो फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके बताया दैट शी हैज़ टेकन. पहले उन्होंने कहा कि तुम इस्लामाबाद आ जाओ. राव रशीद उनके एडवाइज़र होते थे इस्टेब्लिशमेंट के. उन्होंने मुझे मैसेज दिया, प्राइम मिनिस्टर वांट यू टू गो टू इस्लामाबाद. आई रिग्रेट. मैंने कहा नहीं जी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं वहाँ नहीं आ सकती. तो उन्होंने उसने कहा हाँ हाँ, वो कहती हैं बिल्कुल ठीक. तो एनी थिंग दैट यू वॉन्ट इन सिंध. मैंने कहा मैं आई एम फाइन, कोई मेरा कोई मसला नहीं है, मैं जहाँ हूँ मैं काम कर रही हूँ सिंध गवर्नमेंट के लिए. बट आफ्टर फ्यू मंथ्स शी कॉल्ड मी. उनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती की हद तक था वास्ता. तो उसने फ़ोन करके मुझे कहा कि आई हैव टेकन अ डिसीजन फॉर यू एंड आई होप यू डोंट से नो. मैंने कहा पता नहीं ये क्या बोलेगी. अगर ये कहती है कि इस्लामाबाद तो हाउ आई वुड से नो टू प्राइम मिनिस्टर. तो मैंने कहा जी यस मैडम. तो कहती है कि आई हैव टेकन अ डिसीजन दैट यू बिकम द सेक्रेटरी कल्चर ऑफ द सिंध गवर्नमेंट. मैंने कहा जी जी जी. मैंने कहा जहाँ एज लॉन्ग एज इट इज़ हियर. तो कहती है इन फैक्ट आई वॉन्टेड यू टू बिकम सेक्रेटरी एजुकेशन बट माई चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह सेज दैट यू हैव नो एक्सपीरियंस. तो मैंने कहा है कायम अली शाह से कि लुक एट मी, आई एम यंग, आई एम अ वूमन. And I had no experience, but I have become the prime minister of this country. She has taught whole life. और तुम कह रहे हो कि उसको education का तजुर्बा नहीं है. तो now it is your decision. Either she becomes secretary education or she becomes secretary culture.
तो उस पर वो कहा कि वो खुश नहीं है, लेकिन वो मुझे बता रही है और वो सुन रहे हैं दोनों। तो आपको पता होगा कि कमर इदरीस वॉज हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब होते थे, उसने मुझे ये कहानी सुनाई कि अच्छा। मैं बैठा हुआ था और मैं तुमको इतना जानता नहीं था, और वो कह रही थी कि ये इतनी अच्छी है, इतनी होशियार है, और तुम कह रहे हो नहीं, तो नाउ योर डिसीजन, व्हाट डू यू वांट, शी इज गोइंग टू बी आइदर सेक्रेटरी एजुकेशन और कल्चर। तो कहा वो खुश नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा अच्छा ठीक है ठीक है, कल्चर। तो दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू ब्यूरोक्रेसी। तो उसके बाद फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट, कल्चर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, वुमेन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, और आखिरी जो था वो था इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे मैंने ये डिपार्टमेंट, मैं देख रहा हूँ एक शायद आपने मेंशन करना भूल गई कि आप मोहतसब के भी दफ्तर में काम कर चुकी। डीजी, डीजी मोहतसब, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो हर जगह मैंने कुछ सीखा, हर जगह मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, नॉट दैट आई रिग्रेटेड एनीथिंग। अच्छा जी खड्डे लाइन लग गई तो मुझे खड्डे लाइन में भी मैं काम करके आ। बिल्कुल। तो बात यही कि आपके लिए काम करने की बहुत गुंजाइश होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बाकी अब आते हैं सियासत। तो सियासत में जब रिटायर हुई तो मेरे मियाँ जो है ही बिलोंग्स टू राष्ट्रीय फैमिली। आप उसको सियासत कहेंगी वैसे मेरे हिसाब से कि यू केम देयर विद ऑल दैट बैकग्राउंड जो आपका है एंड देन कमिंग टू द असेंबली। तो सियासत तो मैं नहीं समझता कि आपने कुछ सियासत की होगी, लेकिन वहाँ पे भी एक पर्पस एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और सर्टेन टास्क हैं जो कि लिस्टेड भी हैं जिनमें आपने और आना उसमें ये था कि वाई फंक्शनल लीग। तो आई हैड अ वेरी क्लियर ओपिनियन अबाउट देयर पॉलिसीज एंड आई एक्सप्रेस टू पीर साहब बड़े से कि भाई आप पॉलिसीज बनाएं और आप लोगों से ताल्लुक रखें, वास्ता रखें, ऐसे नहीं होती हैं। तो उन्होंने वो बहुत मुझे एडमायर करते थे, बहुत पसंद करते थे, एंड ही ट्रस्टेड मी। और मुझे कहा कि हमें हवातीन का विंग बना के दो, वो मैंने करके दिया। इन द मीन टाइम ही पास्ड अवे। तो जो नए ये वाले पीर साहब आए तो उन्होंने फिर मुझे मैंने इलेक्शन भी लड़ा लाड़काना से, लेकिन आई वुडेंट से दैट फेयर इलेक्शंस की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। तो फिर भी मैंने 32,000 वोट्स लिए थे। वो थे कौन से थे, अयाज सुमरो साहब, और 3 दिन लगे थे उनको मेरा इलेक्शन का रिजल्ट निकालने में। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन उन्होंने फिर मुझे रिजर्व सीट पे औरतों की वहाँ रखा। आई रिमेंड देयर फॉर 5 years, क्वाइट एन एक्सपीरियंस। उसमें एक चीज़ मैंने तय कर ली दैट आई एम नॉट गोइंग टू टो पार्टी लाइन, जो थी नहीं, बट आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट पीपल्स इशूज, जो सबसे ताल्लुक रखने वाले हो, जो कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरा नहीं बोल रहा है मुझे बोलना है। मैंने कभी नाम लेके पीर साहबों की तारीफ नहीं की। वो जो कलमा पढ़ते हैं ना, जी जुल्फकार अली भुट्टो, तो नुसरत भुट्टो, तो फलाम भुट्टो, तो सबके जब तक नाम ना लें वो तकरीर नहीं शुरू करते हैं। ये इनकी वो की शोइंग देयर लॉयलिटी। आई वॉज नॉट परटर्ब्ड। लेकिन फिर मैंने कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं की। एंड आई मस्ट टेल यू कि मैं बहुत तनकीद करती थी तहजीब के दायरे में रह के। मैंने कभी शोर शराबा नहीं किया, मैं ऊंची आवाज़ से नहीं बोली, मैंने किसी की बेइज्जती नहीं की नाम लेके। आई स्पोक अबाउट द इश्यूज़, एजुकेशन, विमेन इश्यूज़, चिल्ड्रन इश्यूज़ वगैरह वगैरह। बाहर लोग उठा लिए गए, मस्क शुदा लाशें आपको मिल रही हैं। पहली दफ़ा मैंने उस पर आवाज़ उठाई कि ये चिचरियल लाश तव्हां खे मिलन था नौजवानन जा। फॉर गॉड सेक व्हाई डोंट यू आस्क द एजेंसीज हु हैव डन इट। तो उस पर फिर पहली दफ़ा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बयान उसको इशू करना पड़ा कि जी हमें बताइए ये कौन था और क्या वगैरह वगैरह। मुराद अली शाह थे तो मैं उन पर भी तनकीद करती थी। मसलन वो कभी भी अपनी बजट स्पीच जो थे वो सिंधी में नहीं बोलते थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि क्या आप अमेरिका में खड़े होकर बात कर रहे हो, और दिस स्पीच ये जो तकरीर है क्या वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए है वो सुने, या अब ये तकरीर जो है वो सिंध के लोगों के लिए है। तो मतलब आई वॉज गिव इम्पोर्टेंस टू योर ओन लैंग्वेज। भाई खुदा के वास्ते किसको तुम सुना रहे हो अंग्रेज़ी में, किसको इम्प्रेस कर रहे हो? वी आर नॉट इम्प्रेस्ड। बताओ सिंध, मैं कोशिश करते मैं अपनी सारी तकरीरें सिंधी में बोलती थी,
लेकिन अगर ज़रूरी होता था तो उर्दू में भी बोलती थी। MQM वाले बहुत मुझसे बहुत खाइफ रहते थे, उनके मुंह पे मैं उनको बता देती थी कि आप लोगों ने क्या किया है इस शहर का, जो हुशर हशर किया आपने, इतनी जो आपने इतनी खलीज आ गई सिंधियों में और उर्दू स्पीकिंग में, हमारे बचपन में हमारी जवानी तक ये नहीं थी। आप देखिए आप इतनी अच्छी सिंधी बोलते हैं, आपकी ज़बान तो नहीं है ना सिंधी, लेकिन ये नहीं था। ये हमारे जो बहुत सारे पुराने सेक्रेटरी थे वो सिंधी बोलते थे। मिस्टर नेताब, आपने जिक्र किया अभी असेंबली का, और आप पार्टी लाइंस और तो फंक्शन से भी थी, लेकिन वहाँ बात जो सही होती थी वो करती थी अपनी पार्टी के होते हुए भी, और बड़ी पार्टी जो सिंध की है वो पीपल्स पार्टी, उनको भी, और आपने कहा कि वो सब आराम से सुन लेते थे, कभी आप पे हूटिंग नहीं की बल्कि आपको इज्जत दी। एक और जो तीसरी बड़ी पार्टी आपके वक्त में थी वो MQM थी, और उन पर भी आपने ज़रूर जो बात सही थी वो कही होगी वहाँ पे। बिल्कुल, तो उनका रिएक्शन आपकी तरफ क्या होता था? मैं उन पर भी इसी तरह से ही महज़ब तरीके से उन पर भी बात करती थी, वो सुनते थे, और उन्होंने कभी इस तरह से वो नहीं किया। मतलब अगर मैंने कोई तनकीद की तो उन्होंने जाके पीर साहब से शिकायत लगा दी थी कि ये हमारे खिलाफ है, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा जी गलत बात होगी तो गलत होगी, और मैं ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली कह रही हूँ, इट्स बिकम्स रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। लेकिन आप यकीन करें कि उनमें MQM में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी आज भी मुझसे रابطے में हैं। राणा अंसार जो अभी इन्होंने डिप्टी उनको किया था लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। रऊफ सिद्दीकी साहब का नाम लेना चाहूँगी, बहुत इज्जत से मिलते हैं, किताबें जब लिखते हैं मुझे ज़रूर भेजते हैं, और भी बहुत सारे, तो उन्होंने हमेशा बहुत इज्जत के साथ, और हमने भी उनको वही तकरीम की। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लेकिन एज ह्यूमन बीइंग, एज पर्सन्स और एल्डर छोटे बड़े जो भी हैं, उसी मनसब से हम उनके साथ उसी मोहब्बतों और इज्जत के साथ मिले। नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम के अख्तिताम तक पहुँच चुके हैं, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मैं चाहूँगा कि मैडम मेहताब राजदी से दरख्वास्त करूँ कि वो प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले कुछ अगर कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, या कोई अलविदाई बात कहना चाहें, शेयर करना चाहें आप लोगों के साथ, तो वो आई वुड वेलकम दैट। भाई ये है, भाई कह रहे हैं अभी इस वक्त मैं आपको भाई कह रही हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं आपको मसूद साहब कह रही थी, लेकिन आपको पता है कि आपका और हमारा जो ताल्लुक है जी जी। एक फैमिली रिलेशनशिप भी है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज आप इस पोजीशन में हैं। जो लोगों को नहीं पता कि आप कितने दबंग ऑफिसर थे, वो फिर उसके लिए लगता है कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। अच्छा। और कभी मैं कहूँगी असद से कि मुझे ये मौका दें, लेकिन नाज़रीन के लिए बताना ज़रूरी है कि आपने भी अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में एज अ डिप्टी कमिश्नर बहुत बहुत इस तरह के आपने ओहदे संभाले हैं, जो बहुत कम ऑफिसर ऐसे होते हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, तो माशाल्लाह, और इज्जत के साथ आप और हम हमारे जैसे लोग अपनी सरकारी नौकरियां करके इज्जत के साथ हम निकले हैं, क्योंकि इस ज़माने में आप देखते हैं कि एक आदमी निकला नहीं है तो पीछे से एक दास्तानें शुरू हो जाती हैं। तो पहली तो इसकी मुबारकबाद आपको, दूसरा आप एंकर पर्सन बन गए हैं, आपको इसकी भी मुबारकबाद, और मैंने तीसरी देख चीज़ देखी कि आप इतनी अच्छी रिसर्च करके आए हुए थे मेरे लिए कि आपको हर चीज़ पता थी। तो एक अच्छा एंकर पर्सन वही होता है जो सामने वाले के लिए सारी चीज़ पहले से मालूम करके आए, आपको मालूम होता लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें। और इस के लिए प्रोग्राम के लिए मैं असद भट्टी के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि वो मेरा सिर्फ इतना कहूँगा जो भी आपने अल्फाज कहे जी मैं बड़ा आपको शुक्रगुजार हूँ, इट इज़ एन ऑनर फॉर मी दीस थिंग्स कमिंग फ्रॉम योर माउथ। नहीं नहीं बिल्कुल ज़बरदस्त जनाब, और आप थोड़े दिनों के बाद मुझे पता है आप फर फर इंटरव्यू ले रहे होंगे और लोग आपके सामने बैठ के कहेंगे ओ हो अच्छा मसूद साहब ले रहे हैं, भाई थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। और ये भी कहना चाहूँगी कि असदुल्ला भट्टी मेरे शागिर्द रह चुके हैं, मैंने इनको इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में उन्हें पढ़ा है, लेकिन एक लंबा सफ़र है उनका PTV पर, और मुझे खुशी और फ़ख्र है कि हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट सिंध यूनिवर्सिटी के IR के, इन्होंने ये सारे प्रोग्राम किए जो पॉलिटिकल थे, और उसके सिलसिले में जाके इन्होंने ये सारे प्रोग्राम किए,
और इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज और स्टॉक एक्सचेंज और इसकी असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स को कवर करना मजाक नहीं होता है, उसमें बहुत जिम्मेदारी चाहिए होती है आपको, एक एक चीज़ समझ के और आपको बतानी पड़ती है। तो मुझे बहुत खुशी है और इसके स्टूडियो में आके मैं ये इंटरव्यू इसलिए दे रही हूँ कि एक तो आप ले रहे हैं और एक मेरा स्टूडेंट है जिसने ये इस्टेब्लिश किया है, वरना बहुत मुश्किल लगता है कि आप घर से निकलें और यहाँ आएँ, बिल्कुल लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इस्टेब्लिश दिस थिंग और इन्होंने पूरा स्टूडियो बनाया है जो बहुत प्रोफेशनली इन्होंने इसको हैंडल किया है। बिल्कुल, तो दिस इज़ समथिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस असदुल्ला। बहुत शुक्रिया मैडम आपका कि आप तशरीफ लाई, और मुझे यकीन है मैं नाज़रीन से भी इजाज़त लेने से पहले ये ज़रूर शेयर करूँगा कि इंटरव्यू तवील हो गया लेकिन इस तवालत में बहुत इनमाक था, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे नाज़रीन हैं उन्होंने भी इसको देखा होगा या बाद में जब मौका मिलेगा देखने का तो वो इसको एंजॉय करेंगे, और ये एक तरह से दस्तावेज़ बन गया ये प्रोग्राम मेहताब अकबर राजदी के की लाइफ का, बचपन से लेके आज तक जो उनकी अचीवमेंट्स हैं। और एक चीज़ का हम जिक्र करना भूल गए कि मैडम को 2003 में सदर पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया था, और उस वक्त के जो अवार्ड्स होते थे वो रियली मेरिटेड होते थे। नाज़रीन का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे। इस प्रोग्राम के बारे में आपका फीडबैक हमें चाहिए, उसके लिए स्क्रीन पे यहाँ का टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों मौजूद हैं, आप वक्त निकाल के, हमें बड़ी खुशी होगी कि आप अगर रिस्पॉन्ड करें उसमें हम इस प्रोग्राम को इससे बेहतर पेश कर सकें। खुदा हाफिज़।